राखी जी, राखी का अटैक ओटीटी बिग बॉस। ओहो क्या बात है राखी जी, मैं बहुत सैड हूँ। राखी इधर आ जाइए। बिग बॉस में जाने नहीं दिया बोलते, क्यों नहीं जाने दिया? थोड़ा इधर क्यों नहीं जाने दिया हमारे राखी सावंत को, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ क्यों 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 नहीं? कल मैं पूरा स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर गई थी वहाँ पे, मुझे लगा कि मैं पूरा कवर करके जाऊंगी तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, वहाँ कोई नहीं होगा वहाँ। मैं घुस जाऊंगी बॉडीगार्डों को मार मार के दरवाजे के अंदर, लेकिन मैं कल गई तो इतना सारे लोग वहाँ थे, सब ने मुझे पकड़ लिया, मैं अंदर जा नहीं पाई। वेरी सैड। हाँ अंदर गई थी मांडावली करने। मांडावली हुई अंदर जाके, खूब धुनाई हुई मेरी बिग बॉस और उनके लोगों ने, उनके बॉडीगार्डों ने बहुत धुनाई करी स्पाइडरमैन की, स्पाइडर वुमन मुंह में नहीं आता है, स्पाइडरमैन ही आता है क्योंकि हमेशा स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है, इसलिए बहुत धुनाई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कैसे आप आ सकते हो मेरा, तो बिना बुलाए गए थे आप, आपको बुलाया गया था ना, बुलाया गया था? नहीं तो बिना बुलाए कैसे जाते हो? क्यों नहीं जा सकते? अरे बिग बॉस ने कहा था लास्ट टाइम ना, ये तो जबरदस्ती कब्जा करना हुआ, ये गलत बात है। क्यों, यहाँ पे तो हर कोई जबरदस्ती कब्जा हर जगह कर लेता है, कोई किसी की बीवी पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी न किसी पे घर पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी की बिल्डिंग पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के करियर पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के रोल पे कब्जा कर लेता है, तो मैं राखी सावंत बिग बॉस ओटीटी पे कब्जा नहीं कर सकती स्पाइडरमैन बन के? आप बहुत स्ट्रांग हो। हाँ तो मैं गई वहाँ पे कल, फिर मेरी खूब धुनाई हुई, उन्होंने ये बताया कि भैया क्वारंटाइन करना पड़ता है एक हफ्ता। और एक चीज और नोटिस किया मैंने, आपका 1,00,000 फॉलोअर्स कम हो गया अचानक से, क्यों? फैंस है, 2 मिलियन था अभी 1.9। 1,00,000 नहीं हुए, 500 हुए। 500 हुए? हाँ। ओके। अगर उसमें 200 भी कम होंगे, 100 भी कम होंगे, 1 भी कम होगा तो आपको 1,09,000 दिखाई देगा। अभी 2 मिलियन करना है जल्दी, कैसे होगा? नहीं एक्चुअली क्या, फैंस का अपना मर्जी है, कर रहे हो तो करो नहीं तो नहीं। नहीं फैन के अगर कभी क्या, कोई एकदम भर भर के भी आ जाते हैं। हाँ। और कभी एक भी चला गया तो वो कम दिखने लगते। बट मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि सब लोग मुझे फॉलो करो, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया। मैं कभी कभी पोस्ट नहीं डालती हूँ तो वो चले जाते हैं, जब पोस्ट डालती हूँ तो वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने आज स्पाइडरमैन का एक बिग बॉस की चाबी दिखी अपने, मेरे पास एक चाबी थी, मैंने नकली चाबी बनाई है बिग बॉस के, तो रात को जाओगे ओटीटी के घर की, तो छापा कभी मारोगे रात में कि दिन में? छापा मैं ऐसा मिस, मैं अनिल कपूर जी आपकी वॉच दे दो मेरे को, मिस इंडिया की। आप बहुत नाच रहे हो आपकी बेटी की शादी में, लेकिन नाचना बंद करो और मुझे वो मिस्टर इंडिया की वॉच दे दो, ताकि मैं वो वॉच पहनूं, गायब हो जाऊं और अंदर बिग बॉस के हाउस में घुस जाऊं, मतलब बिग बॉस ओटीटी में घुस जाऊं। क्योंकि प्रतीक जो है बहुत आग बबूला हो रहा है, देखा वो अपने आप को लोखंड वाला का निक जॉन्स समझ रहा है, प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड समझ रहा है, लेकिन मुझे तुम टॉम क्रूज लगते हो प्रतीक, तुम नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन हो जो स्टॉप ही नहीं होती है। लेकिन प्रतीक तुम्हारा जो स्टॉप स्टेशन है वो मैं हूँ, अगर मैं आ गई करूंगी ना तो तुम स्टॉप हो जाओगे प्रतीक, मुझे तो वो टॉम क्रूज लगता है, मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने गया है बिग बॉस ओटीटी में। अरे बाप रे राखी जी, टी शर्ट वहीं से लेके आएंगे? हाँ मैंने बनवाई है ये टी शर्ट। हाँ बिग बॉस की आँख, मेरी दो आँख और बिग बॉस की एक आँख।